एक बंदी जिसकी उम्र लगभग 27 साल, बैंगलोर की, जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में, लगभग 15-16 जुलाई के आसपास उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ। उसके रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव आए, हॉस्पिटलाइज्ड हुई और उसके बाद 24 या 25 जुलाई के आसपास रिकवर होके उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई फॉर कोरोना वायरस और वो रिलीव हो गई, मींस वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी गई। अगेन सितंबर में, लगभग सितंबर में तो वापस वो पॉजिटिव हो गई, लेकिन 24-25 जुलाई अगस्त के आसपास वापस उसको दिक्कतें होने लगी, कफ होने लगा, खांसी आने लगी। अगेन जब उसका कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ तब वो अगेन कोरोना पॉजिटिव आई। एज फार एज इंफॉर्मेशन कंसर्न, ये पहला केस है इंडिया में रीइंफेक्शन का। रीइंफेक्शन मतलब कोई पेशेंट पहले कोरोना पॉजिटिव आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो नेगेटिव हो गया और उसके बाद अगेन वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये अमूमन अभी तक का देश का पहला केस है बेंगलोर का, फोर्टिस हॉस्पिटल। रीज़न बहुत सारे बोले जा रहे हैं कि हो सकता है कि उस बंदी के बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हो। यूजली होता है जब पेशेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, 10-15 दिन के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होके अच्छे से काम करने लगती हैं, तो हो सकता है कि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हो, या फिर डेवलप हुई तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 15-20 दिन के लिए डेवलप हुई हो, उसके बाद वापस कोरोना वायरस उसके शरीर को परेशान करने लगा हो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो रह नहीं गई इसलिए वापस वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। और भी बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैटर है, वो देखेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने थी मुझे, सो आई एम गोइंग थ्रू दिस चैनल। रीइंफेक्शन का केस आना रियली नॉट गुड, केसेज आना ही वैसे भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब रीइंफेक्शन का केस आना इज अगेन समथिंग वेरी यू नो प्रॉब्लमेटिक है। सुन के ही अजीब लग रहा है कि अभी हम अच्छे से ठीक तो हो नहीं पा रहे, अब ठीक होने के बाद वापस रीइंफेक्ट होने वाली कहानी क्यों चालू हो गई। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डॉक्टर्स साइंटिस्ट क्या करते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देखते रहें इस चैनल को, जुड़े रहें फॉर ऑल एंड एवरी अपडेट। जय हिंद।